Assalamu alaikum, dear students, and welcome to CED Engineering Academy. Today we are going to discuss the last linear method for setting out curve, that is by offsets from chords produced. Example is ke angle of intersection hamare saath do tangent lines ka jo angle of intersection hai that is given and which is 144 degree. Matlab agar hum is figure ko consider kare to yahan par jo zaviya ban raha hai That is 144 and angle of intersection. Change of intersection point B point. ये इसकी change हमारे साथ कितनी है? 1390 meter है. Radius of curve अगर हम एक curve लगाना चाहें और उसका radius हमारे साथ आ जाए तो वो हमारे साथ कितना है? ये radius होगा और ये वाला radius होगा. That is equal to 300 meter. और यहाँ पर आगे कहा गया है कि 20 meter interval पर 20 meter पे interval पर आप कर्व की सेटिंग आउट करें कौन से मेथड से बाय ऑफसेट फ्रॉम कार्ड्स प्रोड्यूस्ड के मेथड से इस मेथड में कार्ड्स प्रोड्यूस्ड का कंसेप्ट है जो क्वेश्चन में हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे पहले हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं यहाँ पर हमारे साथ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू हमारे साथ इक्वल है 144 के तो 180 माइनस 144 ये हमारे साथ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ जाएगा टेंजेंट लेंथ को हम फाइंड कर सकते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है T1B, that is equal to T is equal to R tangent pi by 2 pi is angle of deflection. इसको अगर हम put करें तो 97.48 यहाँ की लंबाई या length बनती है. Length of curve को find करें pi R phi by 180. अगर हम curve की length find करना चाहते हैं ये वाली जो अभी तक इस figure में बनी नहीं है ये तो इसकी length हमारे साथ 188.50 आ रही है. Pi 3.14 radius is given. Alpha या delta या पाई एज डिफ्लेक्शन एंगल डिवाइडेड बाय 180 तो इससे हमारे साथ लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगा अब हमने यहाँ पर T1 को लोकेट करना है ये वाला T1 पॉइंट के लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर कहाँ लोकेट कर रहा है तो यहाँ B पॉइंट की चेंज हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 1390 तो अगर इस 1390 से मैं ये टेंजेंट लेंथ माइनस करूँ तो हम T1 पॉइंट पे पहुँच जाएंगे इस बी पॉइंट की लेंथ गिवन है 1390 माइनस दिस लेंथ बैक टू T1 पॉइंट हम पहुंच जाएंगे तो चेंज ऑफ कमेंसमेंट या चेंज ऑफ स्टार्ट ऑफ कर्व दैट इज इक्वल टू 1292.52 अब T2 पर हम जाना चाहते हैं तो T2 पर जाने के लिए हम क्या करेंगे इस T1 के साथ ये वाला लेंथ ऑफ कर्व प्लस करेंगे तो हम T2 पर जाएंगे क्योंकि अलाइनमेंट तो हमारी यही है ये जो टेंजेंट लाइंस है तो ये तो सिर्फ हमने कर्व ड्रा करने के लिए प्लाट किए हैं या शो किए हैं हमारे एलिमेंट तो यही होगी अगर हम यहाँ से कहीं आ रहे हैं तो सारी ये लाइन होगी हमारे फील्ड में या साइड में फिर न ये लाइन कंस्ट्रक्ट होगी न ये कंस्ट्रक्ट होगी इसलिए हम T1 और T2 को किस तरह फाइंड करते T1 के साथ लेंथ ऑफ कर्व को जमा कर लिया तो हम T2 पॉइंट पर आ गए और इसकी वैल्यू हमारे साथ आ रही है 1481.02 ऑलमोस्ट यहाँ तक जो कंसेप्ट है देर इज़ ओल्ड वन यहाँ तक हमने जो पढ़ा अभी ये तो प्रीवियस मेथड्स में भी हम लेंथ ऑफ कर्व टेंजेंट लेंथ और चेंज और ये सारा कुछ मालूम करते थे इस मेथड में बस अभी ये दो तीन ही स्टेप्स जो आगे आ रहे हैं ये एडिशनल है और यही सारा मेथड है तो पहले हम कार्ड की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ कार्ड तो कार्ड हमारे साथ क्या है कर्व पे आप अगर कोई सा डिस्टेंस लेते ये हमारे साथ कर्व बन रही है ये वाली ये लेट से इट्स अ कर्व तो अगर इस पे आप डिस्टेंस लेते हैं तो इट इज़ कार्ड ये वाला डिस्टेंस कार्ड है ये सेकंड कार्ड है ये थर्ड कार्ड है ये फोर्थ कार्ड है एनी डिस्टेंस ऑन कर्व इज कार्ड अच्छा अब इसमें दो ही किस्म के कार्ड्स हैं एक सब कार्ड है दूसरा हमारे साथ नॉर्मल कार्ड है सब कार्ड किसको कहते हैं और नॉर्मल कार्ड किसको कहते हैं यहाँ पर देखें T1 की चेंज हमारे साथ क्या है चेंज ऑफ T1 इज 12.52 T2 की चेंज हमारे साथ 1481 है तो यहाँ पर 1292 है चेंज और यहाँ पर जो चेंज है दैट इज 1481.02 इस क्वेश्चन में हमारे साथ बिग इंटरवल को 20 दिया गया है ये कह रहे हैं कि 20 मीटर इंटरवल पर आप पॉइंट्स लगाए तो यहाँ पर 20 आएगा यहाँ पर 20 आएगा ये सारे हमारे साथ क्या क्या होने चाहिए 20-20 होने चाहिए लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा कि यहाँ पर भी कोई राउंड फिगर हो यहाँ पर भी कोई राउंड फिगर हो और दोनों फिगर 20 पर
डिविजिबल हो। अगर रूट 20 पर पूरी पूरी डिविजिबल नहीं है तो इसके साथ जो है एक्स्ट्रा जो लेंथ आएगी वो हमने एडजस्ट करनी होती है, और वो एडजस्टमेंट हम सब कार्ड में करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो T1 है इसकी चेन एज है 1292, तो अगर हम 1292 से स्टार्ट करें तो नेक्स्ट जो 20 बन रही है वो हमारे साथ क्या होगा, 1292 प्लस 20, वो हमारे साथ इसके साथ 20 जमा हो जाएगा, तो ये 1312 हो जाएगा 0.52। और इसी तरह 2020 जो सारी वैल्यूज आ रही है वो ना तो राउंड है और ना होल है, तो इस ट्रबल से बचने के लिए हम आसानी के लिए क्या करते हैं, सब कार्ड मुतारिफ़ करते हैं और नॉर्मल कार्ड और सब कार्ड को अलग अलग मार्क करते हैं, और फिर इनकी जो लेंथ आती है या इनसे जो ऑफसेट्स की लेंथ आती है उनको कैलकुलेट करते हैं और सारे पॉइंट जॉइन करके कर्व बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ 1292 है, इसके बाद राउंड फिगर क्या आ रहा है, 1292 के बाद हमारे साथ 1300 आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर 1300 कंसिडर कर लूँ, यहाँ पर मैं 1300 ले लूँ, तो 13 से पीछे ये वाली जो लेंथ बच रही है ये 20 से कम है, और क्या बन रही है 1292.52 और 1300 के दरमियान जो डिफरेंस है वो इस कार्ड की लेंथ है, और ये सब कार्ड होगी क्योंकि इसकी लेंथ 20 से कम है, दैट इज इक्वल टू 7.48। एक सब कार्ड हमारे साथ ये आ गया। अब 13 से अगर हम इक्वल 20 पे जाए तो ये 1320 होगा, 1340 होगा, 1360 आ गया, 80 आ गया, 14 आ गया, और जाते 1480 तक हम चले गए। सेकंड जो T2 है इसकी चेंज हमारे साथ 1481 है, 1481 point something है, तो ये राउंड फिगर नहीं है, इससे पहले जो राउंड फिगर आएगा देट इज़ 1480, यहाँ तक हमारे नॉर्मल कार्ड्स पूरे हो रहे हैं, 1480 तक हमारे नॉर्मल कार्ड्स पूरे हो रहे हैं, हालांकि T2 की जो चेंज है देट इज़ इक्वल टू 1481.02। तो 1480 के बाद ये जो डिस्टेंस बच रहा है ये वाला, ये कितना बच रहा है, 81 माइनस 81.02, तो सेकंड सब कार्ड की लेंथ हमारे साथ 1.02 हो जाएगी। तो सब कार्ड हमेशा हमारे साथ स्टार्ट और एंड में ही आते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तो ये सब कार्ड वन है इनिशियल सब कार्ड एंड दिस वन इज फाइनल सब कार्ड, और इसके दरमियान जो इक्वल इंटरवल पर कार्ड लगाए गए हैं दे आर नॉर्मल कार्ड। तो हम टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स को आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, दो तो हमारे साथ सब कार्ड हो गए, तो लेंथ ऑफ कर्व ये कार्ड किस चीज़ पे लगा रहे हैं हम, ये लेंथ ऑफ कर्व पे लगा रहे हैं, ए लॉन्ग लेंथ ऑफ कर्व ये जो है इस पर हमने कार्ड्स लगा लिए हैं, तो लेंथ ऑफ कर्व को स्टार्ट में किस तरह करें, लेंथ ऑफ कर्व को डिवाइड करें इंटरवल पर, लेंथ ऑफ कर्व डिवाइडेड बाई इंटरवल हमारे साथ क्या है 20 है, तो लेंथ ऑफ कर्व को अगर हम 20 पर डिवाइड करें तो इससे जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 188.50 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 9.42। इससे आने वाली वैल्यू हमारे साथ 9.4, इसका मतलब है कि 9 कार्ड 20-20 मीटर के फुल बन रहे हैं और 0.2 हमारे 0.42 हमारे साथ सब कार्ड्स बन रहे हैं। अब ये सब कार्ड 1 है या 2 है इसकी तरफ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 फुल कार्ड बन रहे हैं और बाकी जो है सब कार्ड है, तो लेंथ ऑफ कर्व हमारे साथ कितने हैं 188.50। अगर 9 कार्ड्स बने वो भी 20-20 मीटर के, तो इससे हमारे साथ क्या वैल्यू आती है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 180। तो मतलब ये कि 180 मीटर डिस्टेंस हमारे साथ नॉर्मल कार्ड्स में चला गया। अब रह गया 8.5 मीटर डिस्टेंस, तो स्टार्ट में यहाँ से T1 की जो चेन एज थी क्या थी 1292.52, और यहाँ हमने क्या ली थी 13, सो 13 माइनस 1292 इससे जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 7.48। इसका मतलब ये है कि पहला सब कार्ड जो है 7 point ये वाला जो है ये 7.48 है, 8.50 में 7.48 पहला सब कार्ड है, बाकी जो रह जाता है वो हमारे साथ फाइनल कार्ड या सेकंड सब कार्ड होगा। तो दो सब कार्ड बन रहे हैं और 9 हमारे साथ नॉर्मल कार्ड्स बन रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या बनेगी, 9 प्लस 2 11 बन जाएगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमने पहले पॉइंट ये जो पी वन है कर्व पर, फिर पी टू है और इसके बाद पी थ्री एंड सो ऑन पॉइंट्स है, इसके लिए ऑफसेट लगाने हैं। तो इसके लिए जो हम पहला ऑफसेट लगाएंगे वो फर्स्ट ऑफसेट फॉर सब कार्ड होगा, दिस वन वुड बी सेकंड ऑफसेट फॉर नॉर्मल कार्ड, क्योंकि सब कार्ड पहला आ रहा है फिर इसके बाद नॉर्मल कार्ड आ रहे हैं, नाइन नॉर्मल कार्ड्स, नॉर्मल कार्ड्स की तादाद कितनी है, नाइन है। तो पहले सब कार्ड के लिए ऑफसेट होगा, फिर नाइन नॉर्मल कार्ड्स के लिए ऑफसेट होगा और एंड में हमारे साथ फाइनल कार्ड के लिए ऑफसेट होगा। तो वो लगाते हैं जिसका फार्मूला हमारे साथ क्या है, सब कार्ड के लिए, पहले सब कार्ड के लिए सी वन स्क्वेयर बाई टू आर। सी वन क्या है, सी वन इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट सब कार्ड, दैट इज इक्वल टू 7.48। ये सी वन की जगह 7.48 स्क्वेयर कर ले, डिवाइड बाई टू और रेडियस ऑफ द कर्व जो वैल्यू है वो पुट करें, इससे हमारे साथ 0.09 वैल्यू आ जाएगी। सेकंड कार्ड के लिए, सेकंड कार्ड ये, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए फार्मूला की मदद से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू, अगर कार्ड 7.2 है तो सी टू इंटू सी टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू आर इज इक्वल टू दिस, एंड वैल्यू हमारे साथ आ जाती है 0.92। सेकंड कार्ड के लिए ऑफसेट की लेंथ 0.92 है। अगर हम थर्ड कार्ड के लिए फाइंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, थर्ड कार्ड है तो ये हमारे साथ सीधी आ जाएगा, ये भी सीधी आ जाएगा और इसके साथ प्रीवियस कार्ड जमा करेंगे, सी थ्री प्लस सी टू डिवाइड बाई टू आर। तो ये थर्ड कार्ड, यहाँ पर ये जो कार्ड है इसकी हमारे साथ क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी 1.33 मीटर। और इस तरह एन नंबर ऑफ कार्ड्स के लिए आप फाइंड कर सकते हैं इसको। इस तरह यहाँ पर देखें, अगर हम लास्ट कार्ड के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लास्ट कार्ड हमारे साथ क्या है, जिस तरह यहाँ पर सी वन 7.48 था, यहाँ पर लास्ट कार्ड की वैल्यू क्या है, 1. ये तो सी वन की जगह 1.02, फिर इस 1.02 के साथ प्रीवियस कार्ड को जमा करें, प्रीवियस कार्ड नॉर्मल कार्ड होगा। यहाँ पर अगर सब कार्ड आ रहा है तो इसके बाद हमारे साथ दूसरा कार्ड कौन सा होगा, दूसरा कार्ड नॉर्मल कार्ड ही होगा, ये ग्रीन वाला नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा, आगे जाएंगे तो इस कार्ड के लिए क्या करेंगे, इस कार्ड की लेंथ दैट इज़ 1.02 प्लस ये लेंथ प्लस जो प्रीवियस है, प्रीवियस इज नॉर्मल प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2R, तो इससे वैल्यू हमारे साथ 0.04 मीटर आ जाएगी। याद रखें कि ये जो वैल्यूज थर्ड के लिए हमने फाइंड की, फर्स्ट और सेकंड के लिए फार्मूला डिफरेंट है फिर बाकी सेम है। थर्ड के लिए जो वैल्यू फाइंड की तो थर्ड से लेकर सब कार्ड से पहले जो नॉर्मल कार्ड आ रहा है वो सब के लिए है, तो थर्ड टू टेंथ है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 11 है, एक पहला सब कार्ड हो गया 1, उसके बाद हमारे साथ नॉर्मल कार्ड्स हैं, नॉर्मल कार्ड की तादाद कितनी है, 9 है, तो लास्ट वाला जो नॉर्मल कार्ड यहाँ पे आएगा वो 10वां होगा और यहाँ पर एक सब कार्ड है दैट इज इक्वल टू 1, तो टोटल कार्ड्स की तादाद हमारे साथ 11 बन गई। तो ओ थ्री से लेकर ओ टेन तक, ओ थ्री से लेकर फर्स्ट और सेकंड के लिए यहाँ पे फाइंड हो गया और फिर सेकंड से आगे ओ थ्री आ रहा है तो ओ थ्री से लेकर एंड तक, एंड में सब कार्ड है, सब कार्ड को छोड़े उसको अलग से फाइंड करेंगे, सब कार्ड से पहले जो नॉर्मल कार्ड आ रहा है उस तक, तो वो नॉर्मल कार्ड कौन सा है, 9 नॉर्मल है और एक इसके साथ सब कार्ड है, तो ये लास्ट वाला जो नॉर्मल कार्ड है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ओ टेन। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड टू टेंथ कार्ड, इसकी डिस्टेंस या हाइट या हमारे साथ क्या आ रही है, 1.33 मीटर आ रही है। अब हर कैरेज जो है, एक हमारे साथ 1300 है, 1320 है, सारे चैरेज यहाँ पे लिख लें और इसकी जो लेंथ ऑफ कार्ड आ रही है पहले की 7.48 ये देंगे और ये हमारे साथ फाइनल सब कार्ड है और दरमियान में जो कार्ड्स आ रहे हैं वो नॉर्मल कार्ड है और हर एक कार्ड पे अपना अपना डिस्टेंस या ऑफसेट लिख लें। यहाँ पर 0.09, ये दो डिफरेंट आ रहे हैं, ये तीसरा भी डिफरेंट आ रहा है, लास्ट वाला, सॉरी ये लास्ट वाला भी, और बाकी जो नॉर्मल कार्ड्स है इसकी सारी वैल्यूज़ एक जैसे आ रही है। अगर आप ये चेने जमा करेंगे, ये सारी चेने जमा करेंगे तो ये लेंथ ऑफ कर्व के बराबर होगी, दैट इज़ 188.50 एंड 188.50। अब देखिए इस मेथड में जो इम्पोर्टेंट और फाइनल बात है वो ये है कि आप ये जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो लगाएंगे कैसे। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप स्टार्ट ऑफ द कर्व पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें, ये मैं इसको रेड लाइन से शो कर रहा हूँ, सही है।
फिर आप अपना चेन या टेप खोले T1C1 डिस्टेंस पे, T1C1 डिस्टेंस पे आपने खोल लिया, फिर यहाँ से आप कर्व लगाते जाए, जीरो आपका ये T1 आ गया, फर्ज करें ये आपके साथ, दिस इज T1 एंड द अदर इज C1, ये, और इसकी लंबाई हमारे साथ क्या होगी 20 मीटर, क्योंकि यहाँ पर चेन लेंथ को हमने पेग इंटरवल दिया है। तो आप यहाँ पे एक आर्क लगाए, ये आर्क आ जाएगा। अब ये आर्क असल में फर्स्ट कार्ड है, तो फर्स्ट कार्ड की लेंथ कितनी है 0.09, तो आप यहाँ से यहाँ तक 0.09 आएंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है 0.09, ये कर्व का पहला पॉइंट हो गया, ये वाला जो है ये कर्व का पहला पॉइंट हो गया, ये मैं इसको थोड़ा ग्रीन करता हूँ, ये कर्व का पहला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए हम इस तरह करते हैं कि अभी इसके बाद इस तरह करें ना, मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये वाला जो लाइन है ये आगे एक्सटेंड करें, ये T1C1 वाला लाइन आगे एक्सटेंड करें, लेट्स इसका ये एंड हमारे साथ C2 हो गया, सही है। फिर कार्ड सेकंड कार्ड की लेंथ हमारे साथ क्या है 0.92, तो जिस तरह आपने यहाँ पे आपसे ड्रा किया था जिसकी लंबाई 0.09 थी, तो इस टेंजेंट लाइन से भी आपसे ड्रा करें, इस तरह बिल्कुल कर्व में आएगी, जिसकी लंबाई हमारे साथ क्या बनती है 0.92। और इसी तरह फिर अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ से और लाइन एक्सटेंड करेंगे और उससे भी कर्व लगाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आप एक दूसरे के साथ मिलाए तो ये हमारे साथ कर्व की शेप बनेगी। जिस तरह फिगर में शो किया गया है, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर T1 है, T1 और दूसरा हमारे साथ क्या है C1 है, तो T1 C1 के बराबर आप चेन को खोल ले या नाप ले, फीता ले और उससे क्या करें कर्व या ये वाला ये ड्रा करें, और इसकी लेंथ हमारे साथ 0.09 होगी। फिर ये T1 ये वाला लाइन एक्सटेंड करें, ये लाइन आप इस तरह एक्सटेंड करें, ये लाइन आप एक्सटेंड करें और यहाँ से आपसे ड्रा करें, ये वाला आपसे ड्रा करें, देट वुड बी इक्वल टू 0.92। फिर नेक्स्ट वाला करें, यहाँ से ये वाला लाइन एक्सटेंड करें फिर, और यहाँ से आपसे ड्रा करें, ये O3 ये वाला आपसे ड्रा करें, और जिसकी वैल्यू 1.33 होगी, ये 1.33 वैल्यू आगे ये हो गए और आर्टिस्ट के बाद आएंगे, सारे के लिए 1.33 की वैल्यू होगी, और लास्ट में ये वैल्यू हमारे साथ क्या बन जाएगी 0.04 मीटर। इस टेंजेंट लाइन से जो ऑफसेट की वैल्यू होगी 0.04 होगी, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके साथ, वो पॉइंट्स एक दूसरे के मिला ले के साथ मिला ले, ये हमारे साथ कर्व होगा। और मेथड कौन सा है, बाय ऑफसेट फ्रॉम कार्ड्स प्रोड्यूस्ड। इट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, थैंक यू फॉर watching and keep supporting CD Engineering Academy.